रह सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को मंजूरी मिल गई है, 4,000 करोड़ की यह आईपीओ आने की तैयारी में है। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस एक बार चार्ट देखें सर, बताएं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा पिछले कुछ दिनों में, वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, और कल की अगर आप बंदी देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब आकर के बजाज फाइनेंस क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इन स्तरों के ऊपर ये स्टॉक कुछ समय के लिए टिक जाए, यानी कि आपको 6950 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पर आपको 7300 तक की एक रैली बनते हुए नजर आएगी। मुझे लगता है कि बेस इन प्लेस है, ब्रेकआउट का इंतजार है, तो जैसे ही ये स्टॉक कुछ और ताकत दिखाता है, 6950 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो मेरी खरीदारी का है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस खरीदारी की राय है इस समय आती हुई कुणाल जी की तरफ से।